दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, आप हो या मैं हूँ, हम में से हर कोई अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहता है, जिसके लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। लेकिन कई बार हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी समस्याओं का कारण हमारे घर का वास्तु दोष भी हो सकता है। देखा जाए तो मंदिर हम सभी के घर में होता है और प्रतिदिन पूजा भी की जाती है, लेकिन पूजा का उचित फल प्राप्त नहीं होता, जिसका मतलब है कि शायद आपके घर का मंदिर वास्तु के संपर्क में आता हो। आज मैं आपको बताऊंगा आपके घर का मंदिर किस दिशा में और कैसा होना चाहिए, जिससे आपको आपकी पूजा का अतिरिक्त फल प्राप्त हो। दोस्तों, ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा, आपके घर का मंदिर इस दिशा में होना चाहिए। यदि आपके पूजा घर का स्थान पश्चिम या दक्षिण दिशा में है, तो आपके जीवन में कठिनाइयों का कारण हो सकता है। यदि आपके घर में एक ही देवी देवता कि एक से अधिक प्रतिमा रखी है, तो तुरंत हटा दें, इससे आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। पूजा घर में अधिक बड़ी मूर्ति ना रखें, मूर्तियों का साइज 1 या 2 इंच की हो तो उपयुक्त है। यदि आपके पूजा घर में किसी भी देवी देवता की टूटी फूटी खंडित प्रतिमा रखी है, तो उसे हटाकर किसी नदी में विसर्जित कर दें। ऐसी मूर्तियां अशुभ फल देती हैं, इसलिए इन्हें मंदिर में ना रखें। और यदि आप मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं, तो उसकी लंबाई हाथ के अंगूठे से बड़ी ना रखें। आपको इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि आपके घर का मंदिर शौचालय या सीढ़ी रसोई घर के पास ना हो, इससे पूजा करने का उचित फल प्राप्त नहीं होता। घर में कभी कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, घर में पैसों का आना बंद हो जाता है। इसलिए घर में या घर की छत में कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। घर में मकड़ी का जाल ना लगने दें, मकड़ी का जाल घर में लगने से दुर्भाग्य मिलता है। घर की छत से पानी टपकना अशुभ माना जाता है, इसके कारण धन इकट्ठा नहीं हो पाता, खर्चे अधिक बढ़ जाते हैं, इसलिए छत से टपकते पानी को सही कराएं। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं, तो आपकी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय दोस्तों।